नामांकन के लिए कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव को याद आया 20 साल पुराना अपना सियासी आगाज, तस्वीर देख हुए भावुक। 20 साल पहले जहां से शुरू की थी सियासत, आज फिर से वहीं पहुंचकर ठोक दी ताल, भाजपा प्रत्याशी बौखला गए। चाचा शिवपाल का भी मिला साथ, बोले विजयी भव, देश और यूपी दोनों से भाजपा की विदाई अब तय है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अब खुद लोकसभा चुनाव के मैदान में आकर कूद गए हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कल किया और आज अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई और हर ओर अखिलेश यादव की चर्चा होने लगी। नामांकन को पहुंचे अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। अखिलेश यादव की तस्वीर लगभग 20 साल पुरानी है, उस वक्त की है जब अखिलेश यादव का सियासी आगाज हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव ने अपना पहला चुनाव कन्नौज सीट से ही लड़ा था। साल 2004 की ये बात है जब कन्नौज लोकसभा सीट से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था और तकरीबन 3 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 2009 में भी उन्होंने कन्नौज से ही चुनाव लड़ा और तकरीबन 1.25 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इधर अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो शिवपाल सिंह यादव ने भी जीत का आशीर्वाद दे दिया। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने संदेश लिखा, विजय भव सर्वदा। अखिलेश यादव के नामांकन में कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एसटी हसन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कन्नौज की जनता झूठे वादों और जुमलों में अब नहीं फंसेगी। वक्त आ गया है कि देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सारी जनता एकजुट होकर अखिलेश यादव को रिकॉर्ड मतों से जिताए। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने एक और तस्वीर साझा की। अपने पुराने पलों को याद करते हुए अखिलेश यादव ने जो तस्वीर साझा की है उसमें उनके साथ अमर सिंह और जनेश्वर मिश्र भी नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में अखिलेश के साथ चाचा रामगोपाल यादव भी दिखाई दे रहे हैं। अमर सिंह और जनेश्वर मिश्र की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती थी और इन्हीं दोनों नेताओं के कहने पर अखिलेश यादव को कन्नौज से चुनाव पहली बार लड़ाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।